मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके बेबीज बहुत अच्छे होंगे, उनको मेरी तरफ से खूब सारा प्यार और खूब सारी ब्लेसिंग। मॉमीज, आज हम बात करेंगे हमारे जब छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को हो जाती हैं घमोरियाँ। जी हाँ, उनको यूजुअली इंग्लिश में कहते हैं हीट रैश या प्रिकली हीट रैश। अब इन घमोरियों का क्या इलाज है, ये घमोरियाँ क्यों होती हैं, पेरेंट्स के लिए सिरदर्द बन जाती हैं क्योंकि हमारा बच्चा परेशान रहता है, क्योंकि इस टाइम बच्चा ना बोल पाता है, रोता रहता है, छोटा सा होता है, हिला भी नहीं पाता और खुजली भी नहीं कर पाता, क्योंकि खुजली तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए लेकिन वो बता नहीं पाता। तो हम क्या करें अपने बच्चे को घमोरियों से निजात दिलाने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए? मॉमीज, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर घमोरियाँ होती क्यों हैं। देखिए मॉमीज, छोटे मोटे जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको ठंड ना लग जाए, चाहे गर्मियों के मौसम में बच्चे हों लेकिन हमें ये लगता है उनको ठंड ना लग जाए, तो हम उनको फुल स्लीव के कपड़े पहना कर रखते हैं, जो कि सही भी है, काफ़ी हद तक सही है। लेकिन ये अगर फुल स्लीव के कपड़े गर्मियों में कॉटन के हैं तो वो सही है, लेकिन ये नहीं उनको गर्म कपड़े पहना रहे हैं या बहुत ज़्यादा, मतलब उनको हम ऐसे ढक के रख रहे हैं या फिर उनको चादर हमेशा उड़ा कर रख रहे हैं, तो ये घमोरी का कारण बन सकता है। घमोरी का सबसे मेजर कारण है कि अगर आपके बच्चे को स्वेटिंग हो रही है और आप उस स्वेटिंग का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो बच्चे को घमोरियाँ होना लाजमी है। अब ये घमोरियाँ होती है छोटे छोटे लाल लाल दाने या लाल लाल रैशेज हो जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं हीट रैशेस, यानी प्रिकली हीट रैशेस कहते हैं, घमोरियाँ कहते हैं। अब मॉमीज, बात यहाँ पर ये आती है कि बच्चों को हम कैसे इन घमोरियों से निजात दिलाएं। तो देखिए मॉमीज, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जब बच्चे को घमोरियाँ, जब बच्चे को मतलब गर्मियों के मौसम में, वैसे तो गर्मियों के मौसम में और बरसात के मौसम में ये ज़्यादा होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी हो जाती है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चे को स्वेटिंग होती है, तो इस वजह से ये बढ़ जाती हैं घमोरियाँ। लेकिन आपको ध्यान रखनी है मॉमीज थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा आपको बच्चे पे ध्यान रखना है। जब बच्चा स्वेटिंग करे या बच्चा रो रहा है तो एक बार आप उसे चेक करें, आप उसको गोद में उठा के देखें कि बच्चे को कहाँ पर रैशेज हो रहे हैं, कहाँ इरिटेशन हो रही है, हाथ मल के देखें तो आपको पता लग जाएगा, साथ ही आपको दिख भी जाएगा कि छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, यानी उन बच्चे को घमोरी हो रही है। सबसे पहले आपको करना है कि बच्चे का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन कीजिए, यानी कि बच्चे को ठंडक पहुँचाइए, बच्चे को पंखे की हवा में रखिए, या फिर आप बच्चे ने जो कपड़े पहन रखे हैं, ध्यान दीजिए कि आप बच्चे ने ओवर कपड़े पहन रखे हैं गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम ओवर कपड़े तो नहीं पहन रखे, अगर ओवर कपड़े पहन रखे हैं तो उनको सिर्फ कॉटन के कपड़े पहनाइए और कोई भी मटेरियल के कपड़े बच्चे को नहीं पहनाइए। आप ये करेंगे, कॉटन के कपड़े पहनाएंगे तो देखिएगा घमोरियों में भी राहत उसको ग्रेजुअली मिलती रहेगी। दूसरी चीज़ है, आप कभी भी स्किन पे या तो तेल, जैसे मान लीजिए घमोरी हो गई और मम्मी ने या किसी ने बोला तेल लगा लो, तेल लगा दिया तो पसीना और आएगा, इससे और घमोरी बढ़ेगी, तो कोशिश करिए उस जगह को ड्राई रखने की। घमोरी होती है तो आपको ध्यान रखना है कि स्वेटिंग होगी तो स्वेटिंग को हमेशा पोंछना है, या उसको बच्चे को अगर पसीना आ रहा है उसको पोंछना है और उसको ड्राई रखना है, उसको एयर एक्सपोजर दीजिए, यानी उसको मतलब खुला रखिए, थोड़ा सा हवा तो आने दीजिए, गर्मी होती है, हमको गर्मी लगती है तो बच्चे को भी लगेगी, तो इसीलिए उसको थोड़ी सी हवा में रखिए, पंखे की हवा में, बहुत स्लो पंखा चला के उसको हवा में रखिए और थोड़ा सा उसको एयर एक्सपोजर दीजिए। साथ ही मॉमीज, देखिए ये खतरनाक तब बन जाती है जब आप घमोरियों पे ध्यान ना दें और बच्चे का टेम्परेचर, देखिए घमोरियाँ होने का कारण ही ये होता है कि हमारे अंदर गर्मी हो गई है और गर्मी से दाने निकल आए हैं। अब जब हम ध्यान नहीं देंगे तो वो गर्मी और बढ़ती रहेगी तो उससे और कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि अगर बच्चा रो रहा है या क्यों रो रहा है या उसके घमोरी है तो आपको उसको ट्रीट करना होगा। देखिए कोशिश कीजिए, आजकल बाज़ार में हीट रैश फ्री पाउडर्स भी आते हैं, टैल्क आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे को उसको निजात दिलाने के लिए। कई बार आपने देखा होगा पीठ पे घमोरियाँ आ जाती है, फेस पे घमोरियाँ आ जाती है, हाथों पे घमोरियाँ आ जाती हैं, तो ज़्यादा पाउडर नहीं लगाना है, बहुत डैप डैप करके उसको पाउडर लगाना है और उसकी स्किन को ड्राई रखना है।
साथ ही आपको तेल का कोई उस दौरान आपको तेल मालिश नहीं करनी, बच्चे की तेल मालिश बिल्कुल मत करिएगा जब बच्चे को घमौरी हो रही है, सिर्फ ऐसे ही नहलाइएगा। और अगर 2 या 3 दिन हो गया है फिर भी बच्चे के रेडिश और बच्चे के दाने फिर भी हैं, बच्चे को इरिटेशन हो रही है, बच्चा रो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिएगा। लेकिन अगर ये सिंपली घमौरियाँ ही हैं, ये 2 से 3 दिन में जैसा मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया वो उसमें से ही 2 से 3 दिन में ही ठीक हो जाएगी। लेकिन बच्चे को ध्यान देना है कि जब बच्चा स्वेटिंग कर रहा है या बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या बच्चा रो रहा है तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं बता पाते, तो इसीलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही।